हेलो क्लास, एलआरटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ गीतांजलि चतुर्वेदी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी 11th क्लास का जो आपका सब्जेक्ट है स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। अगर आपने एलआरटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब स्टेट्स का इकोनॉमिक्स में क्या मेजर रोल है। इकोनॉमिक्स जो कि हम सब जानते हैं, ठीक है, जिसे कि हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट्स मतलब सांख्यिकी जो है वो किस तरीके से अपना मेजर रोल प्ले करती है। इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हमें स्टेट्स की किन टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टेट्स का यूज़ जो है वो इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें कि इकोनॉमिक्स आखिर में है क्या। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब हम सब जानते हैं अर्थ मतलब होता है मनी, और शास्त्र मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब वो वैज्ञानिक अध्ययन, वो शास्त्र जिसमें कि हम अर्थ मतलब मनी का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे जो मनी है वो उससे केवल पैसे से रिलेटेड नहीं है। मनी इन द सेंस जो भी हमारी वांट्स है, लाइक जस्ट लाइक रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये जो हमारी वांट्स हैं, ठीक है, उनका बैलेंस फिट जो रिसोर्सेज है, उन सब का जो अध्ययन है वो सब अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, लेकिन एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक मॉडर्न डेफिनेशन दी है, ठीक है, जिसके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स 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 इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब अल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो कि किसी मानव की, मनुष्य की किस बात की स्टडी है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ टर्म यूज हुई है, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं विद एग्जाम्पल,
उससे आप लोगों को इजी हो जाएगा ये समझना कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, जिसे मतलब एक इंसान अपने डेली के जो जीवन है उसमें क्या क्या मेजर रोल प्ले करता है। वो कभी कंज्यूमर बन जाता है, वो कभी बायर बन जाता है, वो कभी सेलर बन जाता है, वो कभी एम्प्लॉय बन जाता है, कभी एम्प्लॉयर बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो इकोनॉमिक्स में आती है, क्योंकि ये सब मॉनेटरी गेन के लिए की जाती है। तो वही सारी टर्म्स मैं बताती हूँ आपको ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को कैसे डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है वो है कंज्यूमर। ठीक है, हम कंज्यूमर कैसे बनेंगे? वेल, हम कंज्यूमर कैसे बने? व्हेन वी बाय अ गुड। जैसे जब हम किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं तो हम कंज्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हम खुद के लिए परचेज करें, वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी यूज़ कर सकता है, हम इन द सरप्राइज किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो हमने परचेज तो वो चीज़ करी है, तो बायर तो हम हो गए, कंज्यूमर भी हम हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं वो चीज़ हम ही यूज़ करें। ठीक है, इसको मैं एक विथ एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। वो एग्जाम्पल जैसे मैं किसी शॉप पे गई, ठीक है, अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे ना पेन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने वहां से पेन परचेज किया। ठीक है, वो पेन मैं मेरे लिए लेके आई। ठीक है, अब ऐसा है कि मेरी सिस्टर के भी साथ में एग्जाम चल रहे हैं, तो आज मेरा एग्जाम है, परसों उसका एग्जाम है। ठीक है, तो बाय चांस वो मेरा पेन ले गई। ठीक है, तो मतलब वो पेन मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मेरी सिस्टर भी यूज़ कर रही है अल्टरनेट में। ठीक है, और क्या पता वो पेन किसी मेरे अन्य फैमिली मेम्बर के द्वारा भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, या फिर हम किसी उस पेन को, उस पेन के किसी गिफ्ट सेट को, किसी को गिफ्ट, उस पेन को सरप्राइज के रूप में किसी को गिफ्ट के रूप में दे दें। ठीक है, तो अल्टरनेट हमने किया तो परचेज ही है, ठीक है, हमने किया तो बाय ही है। तो इस केस में हम लोग हो गए कंज्यूमर एंड बायर। इसको आप बायर भी कह सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट अपना आता है सेलर। ठीक है, सेलर हम तब बनते हैं जब हम प्रॉफिट के लिए किसी भी गुड्स को सेल करते हैं। When we sell goods for profit, ठीक है, जब हम प्रॉफिट के लिए किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो हम सेलर बन जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेरी एक शॉप है किराना की। ठीक है, अब अभी हम सब जानते हैं कि जैसे सब्जियाँ वगैरह कितनी महंगी है, हम शॉप पे जैसे पोटैटो रखते हैं, ठीक है, आलू रखते हैं, आलू का भाव है अभी 40 रुपये किलो। ठीक है, कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे 2 किलो आलू दे दो। ठीक है, 2 किलो आलू के बन रहे हैं 80 kg, 80 रुपीज़ पर kg। ठीक है, लेकिन मैंने उससे चार्ज किए 92 रुपीज़, 80 रुपीज़ पर 2 kg मैंने उससे चार्ज किए, 92 रुपीज़ पर 2 kg, मतलब 2 किलो के मैंने उससे 80 kg के 92 लिए। ठीक है, उसने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको उस समय बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और लोकल में ही
अभी आप जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, वो कहीं बाहर भी नहीं जा पाया और उसने मुझसे परचेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पैसा कमाया है, मेरे माइंड में यही था कि मुझे कैसे ना कैसे यार प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो मैंने 12 रुपये उससे अर्न किया। तो इन द सेंस मैंने चीज़ सेल करी, लेकिन मैंने प्रॉफिट के लिए सेल करी, तो यहाँ पे मैं हो गया सेलर, मैं हो गई सेलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेल किए अपनी शॉप पे पोटैटो, तो मतलब मैंने अपने मेरे माइंड में यही था कि मुझे हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना है यार, दुकान पे बैठे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए तो क्या बुराई है। तो उस हिसाब से मैंने उसको ज़्यादा में सेल कर दिया, तो यहाँ पे मैं हो गया हूँ सेलर। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ ना, कंज्यूमर सेलर, ये सब क्या है, अपने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की टर्म है। दैनिक जीवन में ये टर्म सारी यूज होती है, हम कभी बायर बन रहे हैं, कभी सेलर बन रहे हैं, कभी प्रोड्यूसर बन रहे हैं, कभी किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय बन रहे हैं, और कोई हमें किसी को हम हायर कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयर बन जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड टर्म है उसमें थर्ड टर्म जो है हमारी, वो है थर्ड टर्म है प्रोड्यूसर की। क्या प्रोड्यूसर कैसे बन रहे हैं? ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। प्रोड्यूसर मतलब जब व्हेन वी प्रोड्यूस, When we produce goods or provide services, मतलब हम producer कब बन रहे हैं, जब हम या तो कोई goods को produce कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ services provide कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे गुड्स को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, जस्ट लाइक सपोज कि मैं एक फार्मर हूँ। ठीक है, मेरे बहुत बड़े बड़े फार्म हैं। ठीक है, उनमें जैसे मेरे गेहूं की फसल आती है, तो गेहूं की फसल जो पैदा होती है उस हिसाब से मैं क्या हो गई, प्रोड्यूसर, मतलब मैं उत्पादक हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ओन मैनी फार्म, ठीक है, जहाँ पर कि वीट प्रोड्यूस होता है, तो मैं प्रोड्यूसर हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम अदर एग्जांपल लें, जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, कोई टैक्सी ड्राइवर हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और मैनी मोर सर्विसेज जो कि शो करती है प्रोडक्शन को। ठीक है, हालांकि सर्विसेज दिखाई नहीं देती क्योंकि ये इंटेंजिबल होती है, लेकिन ये आती है प्रोडक्शन सेक्शन में ही। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ अपना एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय इन द सेंस जैसे मैं किसी के यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन अ कंपनी,
एंड कंपनी हैव टू पे मी वेजेस. मतलब मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और कंपनी का ये ड्यूटी है कि वो मेरा काम कंप्लीट हो जाने पे मुझे उस चीज के वेजेस पे करे. ठीक है, अभी हो सकता है वो डेली पे करे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से डेली है, वीकली है, मंथली, वो कंपनी का लुकआउट है. ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या वेजेस ले रही हूँ और कंपनी वेजेस दे रही है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे हो गई एम्प्लॉई. इसी तरह से एक टर्म आती है इसमें एम्प्लॉयर. मैं एम्प्लॉयर तब बनूंगी व्हेन आई हैव टू पे वेजेस टू समवन. मतलब मैं एम्प्लॉयर कब बनूंगी, जब मैं किसी को हायर करूंगी और मुझे उसके हायर करने के बाद उसको उसके वर्ग के जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से उसको वेजेस पे करने पड़ेंगे, तो मैं इस कंडीशन में बन जाऊंगी एम्प्लॉयर. तो आप लोग आप स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि चाहे मैं बायर बनूं, चाहे मैं सेलर बनूं, चाहे मैं प्रोड्यूसर बनूं, चाहे मैं एम्प्लॉयर बनूं, चाहे मैं एम्प्लॉय बनूं, ठीक है, ये सब चीजों में एक चीज कॉमन है. वो चीज कॉमन क्या है? वो चीज कॉमन है मॉनेटरी गेन. मतलब ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो मॉनेटरी गेन के लिए ही हो रही है. ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो मॉनेटरी गेन के लिए ही हो रही है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो सारे एक्टिविटीज होते हैं वो मॉनेटरी से ही रिलेटेड होती है. मतलब इसमें मॉनेटरी गेन हो रहा है और सारी एक्टिविटीज मॉनेटरी टर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है. ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, ये सब टर्म इसमें इंक्लूड हो गई है. ठीक है, उसके बाद है हम देख लेते हैं, तो ये सब टर्म जो है ये डिस्क्राइब कर रही है उसको, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ टर्म को जो अपन ने यूज करी थी. तो वो जो टर्म मैंने यूज करी थी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसको उसमें ये सब आती है. प्रोड्यूसर हो गया, बायर हो गया, सेलर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय होगी. मतलब ये दर्शाती है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कि मॉनेटरी गेन के इर्द गिर्द घूमती है. अब हम देखते हैं जो कि आपके 11th में इसी चैप्टर में आप देखोगे एक टर्म, वो है स्कैर्सिटी. से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कैर्सिटी? स्कैर्सिटी क्या होती है जानते होंगे आप सब. स्कैर्सिटी क्या होती है? स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मतलब होता है किसी चीज की कमी. ठीक है, लेक जिसे हम कह सकते हैं, लेक या कमी. अब इकोनॉमी में किस चीज की स्कैर्सिटी हो सकती है? ऑब्वियसली रिसोर्सेस की होगी, तो यहां पे होगी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, अब
अब ये चीज़ क्यों होती है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब देखते हैं ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है कि हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब ह्यूमन वांट्स कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। आज फॉर सपोज आज मेरे पास टू व्हीलर एक्टिवा है, ठीक है, मैं सोचूंगी नहीं यार मुझे कार भी चाहिए, आज मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मैं सोचूँ नहीं यार अपना एक फ्लैट हो जाए तो भी अच्छा है, ठीक है, वो हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे को कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये हमारा जनरल नेचर ही है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड और अनसेटिस्फाइड ही रहता है हमेशा इंसान, ठीक है, और इसीलिए रिसोर्सेज की कमी आती है, इसीलिए रिसोर्सेज की कमी आती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स जो होती है वो तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है जी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लास, स्केयरसिटी ही है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं डेली में, स्केयरसिटी नहीं होती तो शायद हम लोग इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे होते। स्केयरसिटी मतलब रिसोर्सेज जो हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ में हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे मीट आउट करें, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे मीट आउट करें, ठीक है। तो स्केयरसिटी में हम ये देखते हैं, ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड और जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड, इनको हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, पूंजी हो गया, लैंड हो गई, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, लेकिन हमारी वांट्स भी बहुत सारी होती है। इन वांट्स के पैरेलल में हम इन चीज़ों का किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमको यार हमारी वांट्स तो ना बहुत सारी है, लेकिन हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक टर्म आएगी प्रायोरिटी, ठीक है। अगर ये प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर ली ना तभी जाके हम रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, तभी जाके हमारे रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन वर्ड्स जो हैं वो तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, और हम लोगों को क्या प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, नहीं यार हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, मुझे इस रिसोर्सेज के हिसाब से ना पहले इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो बैलेंस होके चलेगा, तो कभी संसाधनों की कमी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ह्यूमन का ये नेचर है कि वो अपनी वांट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी कारण से फॉर एग्जांपल आप देखोगे आज क्राउडिंग क्राउडिंग बस, आज बसों में भीड़ क्यों लगती है, ठीक है, क्योंकि बस है एक, लोग हैं बहुत सारे, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, ठीक है, तो मतलब ये इंसान की इच्छा है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, बस एक है, ठीक है, और रिजर्वेशन होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, तो उनको खड़े खड़े सफ़र करना पड़ता है, लेकिन हाँ जाना है, इच्छा है जाने की और जाना है, काम है, ठीक है। फिर इसी तरह से देख लो आपकी जो टिकट विंडो होती है उसमें भी कितनी भीड़ लगी थी, क्योंकि टिकट विंडो तो है एक, क्राउडेड टिकट विंडो, क्योंकि विंडो तो है एक, ठीक है, टिकट विंडो है एक और टिकट सबको चाहिए, तो रिसोर्सेज जो हो गया वो तो हमारा हो गया टिकट विंडो, मतलब एक जो बना हुआ है कैबिन उसी से हमको सारे जो भी टिकट वगैरह कलेक्ट करने हैं, लेने हैं, ठीक है, लेकिन भीड़ बहुत सारी क्योंकि सबको जाना है, तो ये हो गया हमारा स्केयरसिटी, इसे हम कहते हैं स्केयरसिटी, और इसी की वजह से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपके तीन टर्म आएंगी। इकोनॉमिक्स में आपके तीन टर्म आएंगी। फर्स्ट टर्म है कंजप्शन, सेकंड टर्म है प्रोडक्शन और थर्ड टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं कि कंजप्शन क्या है। प्रोडक्शन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन मतलब जब हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंजप्शन। इसमें हमारे पास गुड्स हैं और हमारे पास अल्टरनेटिव है कि उनको किस वे में यूज करना है। ठीक है, गुड्स को कंज्यूम करना, चाहे हम अपने लिए करें या फिर कलेक्टिव रूप में, मतलब मैंने परचेस करी कोई चीज और कोई और परचेस कर ले मेरे कोई और यूज कर ले मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन उस चीज का कंजप्शन हो रहा है तो वो आती है टर्म कंजप्शन में। मतलब कंज्यूम द गुड्स। सेकंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टडी है मतलब टू डिसाइड करना कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या और कैसे प्रोड्यूस करे फॉर द मार्केट। हाउ एंड व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। तो प्रोडक्शन में ये टर्म आती है। ठीक है, अब जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो गई, फार्मर्स हो गए, वो ये डिसाइड करती है कि भाई फार्मर्स डिसाइड करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें अपने अपने फार्म में किसकी खेती करनी है। फार्मर्स हो गए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है बहुत बड़ी बड़ी, वो डिसाइड करती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सब आती है इसमें प्रोडक्शन स्टडी में। और थर्ड टर्म जो है हमारी वो है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब हम इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो वेजेस हैं, ठीक है, वेजेस हैं, जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट है, वो किस तरह से हमारी जीडीपी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मतलब वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का कितना कितना पार्ट हमारी जीडीपी में इन्वॉल्व हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम के लिए आवश्यक हो रहा है, वो सब हमारे आता है डिस्ट्रीब्यूशन में।
ठीक है, वो सब आ जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तीन मेजर टर्म जो है, तीन मेजर टर्म वो इसमें आती है इकोनॉमी में, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन मेजर टर्म है, मतलब इकोनॉमी इन्हीं में है। गुड्स किस तरह से कंज्यूम की जा रही है, क्या क्या प्रोडक्शन यूनिट्स काम में आ रही है, और फिर उन यूनिट से जो भी मॉनिटरी गेन हो रहा है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी में अब स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं हम। इकोनॉमी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, जस्ट लाइक सपोज पॉवर्टी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टर्म आप अपनी बुक में देखेंगे। ये सारी जो है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी की स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको ये देखना है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, फिर उसको सॉल्व आउट करने के लिए हम इसीलिए स्टेट्स का यूज करते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी में काम में आता है। ठीक है, स्टेट्स में क्योंकि बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके की थ्रू हम इन सारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी उसमें हम लोग स्टेट्स का पढ़ेंगे कि स्टेट्स इकोनॉमी में किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब हम, और बहुत बहुत बार होता है कि जैसे सुनामी आ गई या कुछ भी ऐसे जो डिजास्टर वगैरह आते हैं हमारे इंडिया में, उससे हमारी इकोनॉमी पे, मॉनेटरी टर्म पे क्या फर्क पड़ रहा है वो सब हम इकोनॉमी में देखते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए हमें फिर स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी का पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट्स। अब मैं आपको इसमें, वैसे तो पूरा थ्योरी पार्ट है लेकिन मैं आपको दो एमसीक्यूज क्वेश्चन देती हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करना है और कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व विच वन टर्म फ्रॉम इट, फर्स्ट है
डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेटा हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इन तीनों में से आपको जो भी आंसर है वो कमेंट में करके बताना है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेकंड है What does mean scarcity? Scarcity का मतलब क्या है? First है excess of resources, second one is lack of resources, third is both, and fourth one is none of this। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे अपना आंसर कमेंट के थ्रू देना है, ठीक है। इसके आने वाले पार्ट में हम स्टेट्स पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। Thank you.